नो फार्मर्स नो फूड, आई स्टैंड विद फार्मर्स, फार्मर्स प्रोटेस्ट। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे देखना कहाँ क्या लगा हुआ है। बेबी वो छोड़ो, वो देखो झंडा इंडिया का, टमाटर बड़े मजेदार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तो मिन इंग्लैंड। आज हम ऐसे वॉक करने निकले थे और हमने सोचा कि चलो बिल्कुल तैयार नहीं है और वॉक करने निकले थे, कोई प्लानिंग नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन हमने सोचा चलो एक ऐसी जगह जो आपको दिखानी चाहिए सो आपको ये जगह दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप फार्मिंग कर सकते हो अगर आप यूके में रहते हो, और अगर आपको फार्मिंग का इंटरेस्ट है, खेती करने का इंटरेस्ट है, अपने फल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाने का इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन अगर जो करना चाहते हैं, बहुत लोग करना चाहते हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है। तो अभी हम आए हैं सेंट मैरीज अलॉटमेंट एसोसिएशन में। तो ये हमारे घर के पास वाली अलॉटमेंट एसोसिएशन है, और यहाँ पे ये हर जगह पे अलॉटमेंट होती है, गवर्नमेंट की तरफ से होती है, और बहुत ही चीप रेंट होता है इसका। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कितना रेंट होता है। तो ये देखो गाइस, ये पूरी यहाँ पे खेती हो रही है, और ये खेती जो है लोगों ने यहाँ पे खेती करी है, लोगों ने आके यहाँ पे सब फ्रूट। बेबी वो छोड़ो, वो देखो झंडा इंडिया का, इंडिया का झंडा दिख गया भाई। तो ये कोई इंडियन है यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं एक बार। तो यहाँ पर इसका सिस्टम क्या होता है, जैसे आपको ये जगह दिख रही है, अगर यहाँ पे कोई पैच खाली पड़ा है और अगर आपको यहाँ पे फार्मिंग करनी है, तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई आपको ये जगह चाहिए जहाँ पे आप फार्मिंग करना चाहते हो। और इसके पैसे बहुत ही कम होते हैं, जैसे छोटी अलॉटमेंट है तो उसके 15 पाउंड साल के, मतलब 1500 रुपए साल के होते हैं, और अगर बड़ी अलॉटमेंट है तो उसके 50 पाउंड साल के होते हैं। इतना ही होगा अप्रोक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से। इंडिया का झंडा यूके में देख के इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही है ना यार, क्या ही बताऊं मैं आपको। ये देखो इसके अंदर है, कितना कुछ उगा रखा है ना, पूरी बेल वेल है। और ये रहा हमारा झंडा, थोड़ा फेड हो गया आई थिंक नीचे से, कलर चेंज हो गया। ये कितना बढ़िया सनफ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, और भाई इतने बड़े, ओह माय गॉड, इसमें से इतने सारे सीड्स निकलेंगे ना सनफ्लावर के। यार इतना बड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। और भी चीजें लगी हुई है यहाँ पे काफी, बहुत कुछ लगा हुआ। मेरे को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे देखना है कहाँ क्या लगा हुआ है। गार्डनिंग का इतना इंटरेस्ट नहीं है, एक्साइटमेंट इतनी हो रही है। ये बहुत ही बड़ा एरिया बेबी, पूरा वहां से लेके जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, वहां तक पूरा फैला हुआ है। ये बेबी आपका दोस्त, आपका दोस्त लगा हुआ है यहाँ पे, सनफ्लावर। हेलो मिस्टर, हम यहाँ पे आए हैं, हमें डराना मत आप, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पानी का क्या सिस्टम है यहाँ पे, पानी कैसे यूज होता है। तो पानी एक तो होता है जो रेन का पानी होता है, ठीक है, बारिश से जो पानी आता है उसको इकट्ठा करते हैं। दूसरा यहाँ पे ग्राउंड वाटर यूज होता है। अब आप पीछे देख रहे हो, ये यहाँ पे ग्राउंड से पानी आ रहा है अपने आप, और इसमें बॉल लगी हुई है, जैसे वो इंडिया में टैंकी में बॉल नहीं लगी होती थी। हाँ। जैसे पानी भर जाता है तो बॉल ऊपर हो जाती है और पानी बंद हो जाता है, तो वही सिस्टम है कुछ यहाँ पे। अब ये भर जाएगा तो इसका पानी जो है वो यहाँ पे यूज होएगा। और सबने ऐसे टब्स रखे हुए हैं रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए, अलग अलग से देखो वो टब्स रखे हुए हैं। काफी सही सिस्टम इन्होंने बना रखा है, काफी ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं कि भाई तुमने ले लिया और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिल्कुल भी खराब तरीके से रख रखा है। ये वही बंदा लेगा ना यार जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, पैशन हो इस चीज का। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे ऊपर से पानी गिरता है, जो भी बारिश का पानी है, इस वाले पाइप से होते हुए सीधा उस वाले टैंक में जाता है, और वो पानी जो है फिर वो यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये सिस्टम बहुत ही सही है, अपने इंडिया में भी ये सिस्टम आपने देखा ही होगा यार, रेन वाटर कितना यूज होता है ना। मैं भी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? प्राउड कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग यार छोटा सा गार्डन होता है वो संभाल नहीं पाते। हाँ, हम तो दुखी हो जाते हैं यार, इतनी भीड़ लगी हुई है, ये है वो है, और लोगों ने इतने बड़े बड़े ट्रीज लगाए हुए हैं, कहीं पेड़ उग रहे हैं, कहीं वो एप्पल्स उग रहे हैं, कहीं आड़ू उग रहा है, प्लम्स उग रहे हैं, मजा आ रहा है देख के। बहुत ही बढ़िया चीज दिखाऊं आपको, ये देखो, नो फार्मर्स नो फूड, आई स्टैंड विद फार्मर्स, फार्मर्स प्रोटेस्ट। कितना कितनी सही बात। oh.
यार यहाँ पे तो सोफा वगैरह सब रख रखा है लोगों ने, छोटा सा ऐसे शेड बनाया हुआ है, इसमें अपना सामान सामून रखा है। कितना सही लग रहा है ना शेड के अंदर ना पूरा सामान होगा इनके, क्या पता अंदर बैठ जाओ, क्या पता अंदर कोई हो हमें देख रहा हो। बहुत सारे टमाटर भी लगे हुए हैं। हाँ और क्या है यहाँ पर, चेरी टोमेटोज लगे हुए हैं इसके अंदर, पता है यहाँ पे अगर ये बाहर होंगे ना बिल्ली बिल्ली आके खा जाएगी सारा। मेरे को वो पोएम याद आ जाती है बार बार, कौन सी, टमाटर बड़े मजेदार। अरे ये देखो सनफ्लावर, ये है लेटस जो वहाँ पे पम्पकिंस भी है सैलेड में डलता है, ये वो है लेटस फ्रेश एकदम यार। और ये देखो इस ग्रीन उसके अंदर पूरा लगा रखा है, ये शायद प्याज लगे हुए हैं या कुछ ऐसी है, धनिया पार्सले है ये। अभी आपको दिखाते हैं पम्पकिन, इतने बड़े बड़े पम्पकिन लगे हुए हैं। ओ भाई साहब यार ये तो वो हैलोवीन के टाइम पे चाहिए होते हैं ना। देखो कितना वो ऐसे ज़ूम करके अंदर दिखाओ कितना बड़ा पम्पकिन है। ओ भाई कितना सही है, फ्रेश यार, पेठा बनाओ मस्त। बीबी ये देखो मेरे को प्याज दिखे, प्याज लगे पड़े, इतना बड़ा प्याज है। ओ भाई साहब, वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है, जो लोग खेती कर रहे हैं ना वो लोग काश यहाँ पे होते, क्यों कोई भी नहीं दिखा मुझे उनसे यार, थोड़े क्वेश्चन पूछ लेते हम है, थोड़ी गाइडेंस ले लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए गार्डन में है, चार हमसे चार फ्लावर नहीं उगाए जा रहे यार, ऐसा नहीं लग रहा हम इंडिया में आ गए हैं पूरे। और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि यार ये देखो ये कोई फ्रूट का पेड़ है, फ्रूट लगे हुए हैं इसमें, आड़ू आड़ू कोई वो है, वो एप्पल का ट्री है वहाँ पे। ओ भाई एप्पल लगे हुए, इतने सारे एप्पल्स लगे हुए हैं, क्या सही, अभी पके ही नहीं है लगता, थोड़े ग्रीन ग्रीन से। हाँ। गवर्नमेंट का एक रूल है कि आपको वहाँ पे खेती करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपने अप्लाई करके रख लिया। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये मेरा पैच है, मेरी मर्जी मैं खेती करूँ या नहीं करूँ। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इंस्पेक्शंस होती है, चेकिंग्स होती है प्रॉपर, और वो आपको लेटर भेजते हैं कि आपने यहाँ पे अभी तक खेती क्यों नहीं करी, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और भी इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अगर आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं खेती करनी, तो गिव अप योर राइट्स, हम किसी और को दे देंगे। हाँ सही बात है। हाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि मतलब ये लेके रख नहीं सकते। हाँ लेके रखना तो आसान है, लेकिन अगर कोई काम ना करे, भाई मेरी जमीन पड़ी है, ऐसा नहीं है, ये आपकी जमीन नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको दिया है कि आप इस जमीन को यूज करके आप खेती करो। तो यहाँ पर देखो शेड के सामने बिल्कुल कैमरा लगा रखा है, और अगर कोई यहाँ पे एंटर करना चाहे, कोई भी डिस्ट्रॉय करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, चोरी वोरी, तो यहाँ पे हर जगह ना हिडन कैमरास भी है। आगे मैंने पढ़ा था कहीं पर हिडन कैमरास लगे हुए हैं। क्या मिला आपको, बीट रूट चुकंदर। हाँ बीट रूट तो हम खाते हैं वैसे भी सैलेड वगैरह में, गार्डन में बीट रूट लगाया तो इसलिए मैंने पत्ते पहचान लिए उसके। बस ये यहाँ पे खत्म है, ये एंड है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, इसके बाद ना आई थिंक बड़ी सी लेक है यहाँ पर, वहाँ पे एंट्री नहीं है, वो लेक जो है वो सेवन ट्रेंड लिखा हुआ है, वो सेवन ट्रेंड जो यहाँ पे पानी वाटर सप्लाई होती है आपके घर पे, जो पानी का बिल आता है ना, वो सेवन ट्रेंड से आता है पानी का बिल, तो वो सिस्टम है। ये सारी ब्लैकबेरीज लगी हुई है यार, ये पता क्या लग रहा है, शहतूत लग रहा है बट ये ब्लैकबेरी के वो है पूरी बेल। बीबी इंडिया में पता क्या होता था, हम पेड़ों पे चढ़ जाते थे शहतूत तोड़ने के लिए। मैं तो नहीं चढ़ती थी। नहीं यार मैं तो किसी को पटाती यार, लाते आपके तो दो भाई है ना, वो वो लाते थे आपके लिए, छोटे वाला मम्मी था ना वो लाता था। हाँ। यार हम चढ़ जाते थे पेड़ों पे और वहां से शहतूत तोड़ते थे, नीचे गिरे होते थे ब्लैक ब्लैक कलर के। यार इन्होंने कितने, ये वाला अलॉटमेंट देखो कितना सुंदर है। बीबी देखो ये सीडी लगी हुई ना, ये सीडी ये है उसके लिए, आई थिंक चिड़िया और ये कबूतर, चिड़िया कबूतर। हाँ बढ़िया लग रहा है ना, कितना मुझे भी सब्जी चाहिए यहाँ से चाहिए घिया तोरी यहाँ से अच्छे रेट में मिल जाएगी इनको ना यहाँ पे फ्रूट वो वेजिटेबल मार्केट भी लगानी चाहिए एक है, नहीं लगाते हो, शॉप जो लिखी हुई है ना। हाँ वो शॉप जो है जो आप उगा रहे हो वो सेल भी कर सकते हो, हमें ज्यादा पता नहीं है। हाँ नेक्स्ट टाइम अगर जब हम आएंगे, अगर कोई हुआ कोई ना ऐसे वीक के बताएंगे, कोई ऐसे वीकेंड पे ना सुबह के टाइम पे आएंगे ताकि यहाँ पे लोग हो,
उनसे हम पूछ सके। हम तो ऐसे ही आए थे वॉक करने, वॉक करने आए थे और हमें लगा कि यार दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो गाइस हमने सोचा कि यार हम वॉक कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो शूट कर लेते हैं। और यहाँ पे ना सर्दियों में कुछ भी खेती नहीं होती क्योंकि इतनी ठंड होती है, और गर्मियों में ही होती है ना बेसिकली, यहाँ सिर्फ गर्मियों में ही यहाँ पे खेती होती है। तो यही जो गर्मियों वाले मंथ्स है, यही टाइम होता है लोगों को सब कुछ उगाने का, और ऑर्गेनिक यहाँ पे ऑर्गेनिक खाने का इतना ज्यादा ट्रेंड है। ऑर्गेनिक खाना हमेशा इतना महंगा मिलता है यहाँ पे। हाँ, दो तरह के वो रेट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट होता है सुपर मार्केट में और एक ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक वाला हमेशा महंगा मिलता है और नॉर्मल जो है वो सस्ता मिलता है। और यार अपने हाथों से उगाया हुआ है यार, उसकी तो बात ही अलग है, अलग ही स्वाद होता है। हाँ। हमने लिटरली अपने गार्डन में कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे पुदीना है, बीट रूट है, ऐसी चीजें उगाई है, वो ही खा के स्ट्रॉबेरी खुश होते हैं। स्ट्रॉबेरीज उगाई थी, उसमें जब निकली ना इतनी मीठी स्ट्रॉबेरी, और बाहर वो इतनी मीठी नहीं होती, या तो हमें लग रही थी कि भाई हमारे गार्डन की है तो शायद ज्यादा मीठी लग रही थी। सो वी होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Bye!